नमस्कार दोस्तों, इस सांपों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उसी सिलसिले में, उसी अंदाज में सिनेग्रेस स्क्वाड आप लोगों के सामने हाजिर है और साथ में मैं हूँ अर्पण मजुमदार। तो दोस्तों, एरिया है वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट सोमड़ा बाजार सुकुड़िया। और दोस्तों, ये जो घर है इसके अंदर ही एक रसोई पर दिखा गया था। तो रसोई पर धीरे धीरे छुपने के चक्कर में इस बोरा के ऊपर आ गया है। और देखिए, बोरा के अंदर आराम से छुप के बैठा है। एक बिग साइज का रसल वेपर है, तो हमें पता नहीं है एक ही या दो है। जो भी है, आप लोगों को रेस्क्यू करके दिखाया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, आखिर स्नेक को अभी रेस्क्यू करना है और पेस बहुत ही कम है। तो रसल वेपर का जो मुंह है ऊपर की तरफ ही है, बहुत ही संभाल के हमें इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी वीक साइज है। देखिए, दोस्तों काफ़ी वीक साइज है। चलिए इसको बाहर लेके चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी वीक साइज है, काफ़ी दिनों से घर के अंदर छुपा हुआ था। तो देखिए, काफ़ी वीक साइज है। देखिए दोस्तों, देखिए खतरा महसूस होने से ये अपने बॉडी को पीछे की ओर खींचता है और अपने बॉडी को इसके जैसा बना लेता है। देखिए ऐसा ही, लेकिन फिलहाल वह काफ़ी डरा हुआ है, इस वजह से ये बाइट नहीं कर रहा है। देखिए ये ऐसे ही जाम करता है। इट इज़ ए रसल वेपर स्नेक, इट्स साइंटिफिक नेम दबोया रसोली। इट इज़ ए हीमोटॉक्सिक वेनमस स्नेक। तो दोस्तों, एक रसल वेपर है और इसमें हीमोटॉक्सिक वेनम रहते हैं और ये जब भी गुस्सा होता है या डरा हुआ फील करते हैं, ये प्रेशर कुकर के जैसा हिसिंग साउंड निकलता है। देखिए, और বাংলা এটাকে বলা হয় চন্দ্রবোরা, চন্দনবোরা। তো এই সাপ শীতকালে খুবই পরিচিত সাপ এবং খুবই বিষধর। শীতকালে বেশি দেখার কারণ হচ্ছে এদের মিটিং সিজন এবং শীতকালে ঠান্ডার কারণে এরা রোদ পোয়াতে বেরোয় এবং মানুষজনও সেই সমস্ত জায়গায় রোদ পোয়াতে গিয়ে এই সব সাপের সম্মুখীন হয়। তো অনেক সাপ মারাও যায় আর অনেক সাপের জীবন আমাদের জন্য বাঁচে। যারা রেস্কিউ করে তাদের ফোন করে জানানো হয়, তারা রেস্কিউ করে নিয়ে যায়। তো আপনারা সকলে যারা আমার লোকালের এরিয়ার মধ্যে পড়ছেন, অতি অবশ্যই ফোন করবেন। তো শীতকালে যখনই কোনো জঙ্গল জায়গায় বা যেখানে অনেক জিনিসপত্র অনেক দিন ধরে রাখা আছে সেরকম জায়গায় রোদ্দুর পোয়াতে গেলেন, অতি অবশ্যই চারিদিকে দেখে যাবেন। কারণ হচ্ছে এই সাপ কোনো জায়গায় লুকিয়ে থাকলে বোঝা যায় না, কারণ হচ্ছে এর গায়ের কালারের জন্য। এর গায়ের কালারটা একদম মাটির সঙ্গে মিশে যায় আর গায়ের ওপর কালো কালো দাগটা, সেটা মনে হয় কোনো নোংরা পড়ে আছে। আর এর পাশ থেকে গেলেই তখনই এ জাম করে কামড়ায়। তো ওই জন্যই সকলে সচেতন হবেন চন্দ্রবোরা সাপের থেকে। আর দোস্ত, ইসমে যে হেমোটক্সিক ভেনাম রয়েছে, হেমোটক্সিক ভেনাম আপনি বডি মে আতেই ও গ্যাংরিং হয়ে যাতে যে জায়গাতে কাটতা হয়, সুজন হতা হয়, সুজ যাতা হয়, ব্লাড প্রেশার রুক যাতা হয়। तो कभी भी स्नेक बाइट होता है तो आप लोग सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंटी वेनम सीरम ABS अवेलेबल रहते हैं। तो देखिए ये धीरे धीरे चल रहा है, इसके मतलब ये नहीं है ये स्लो है।
ये कभी भी जाम करके बाइट कर सकते हैं, इसका मूवमेंट कभी भी पता नहीं चलता, इसलिए सब लोग सावधान होके ही इस स्नेक के पास जाना कभी भी। तो फिलहाल हम इसको डब्बा में पैक कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक हमारा सूचना पहुँचे और ऐसे बेजुबान के जान हम लोग बचा सकें। और प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसको हम डब्बा में पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली रसल भाई पर पैक हो चुका है और मिलेंगे उनसे जिन्होंने हमें फ़ोन करके सूचना दिया था। तो दोस्तों भाई ने हमें फ़ोन करके सूचना दिया था और भाई के साथ पहले से ही मेरा जान पहचान है, क्योंकि मेरा जो बाजू का गांव है उस गांव में ही भाई रहते हैं और भाई भी एक वॉलीबॉल प्लेयर है, मेरे पास काफ़ी टाइम प्रैक्टिस भी किया है। तो भाई से नाम एड्रेस पूछ लेते हैं। नाम बताओ। सुमन। और इस एरिया का नाम बताओ। शुक्रिया सेगुन बागान। ओके बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो दोस्तों आप सब भी ऐसे ही फ़ोन करके सूचना दीजिए ताकि ऐसे ही बेजुबान के जान हम लोग बचा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट के ऑपरेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला। এর গায়ে মনে হয় পা দিয়েছে, ক্যাচ করে উঠেছে, পা দিয়ে উপরে না ওই ঘোড়া দিয়েছি মারাকি মানে গোকু এ হাত দিয়ে পা দিয়েছে এ বলতে হাত দিয়েছে বলতে ও ভাগি জেগে।